हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णो टेक्स यूट्यूब चैनल को और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली रियलमी की तरफ से फिर से एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो नाम रखा गया है वो है रियलमी A1। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है वो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन रहने वाला है, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्या स्पेसिफिकेशन होगी, क्या प्राइस हो गया, सब कुछ बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको एक घंटी का आइकन भी दिखेगा, उसको भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करने से जब भी मैं कोई भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ पर रियलमी अब फिर से नया स्मार्टफोन लेकर आने वाला है रियलमी A1 के नाम से। दोस्तों, पिछले ही महीने जहाँ पर रियलमी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था रियलमी U1 के नाम से, जिसमें आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अब जहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रही है एंड्रॉयड शॉर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने जहाँ पर बताया कि अब जहाँ पर रियलमी फिर से नया स्मार्टफोन लेकर आने वाला है रियलमी A1 के नाम से। तो दोस्तों, जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो रियलमी C1 वाले स्मार्टफोन से भी काफ़ी सस्ता आपको यहाँ पर मिलने वाला है। भैया, अगर मैं जहाँ पर रियलमी C1 वाले फोन की प्राइस की बात करता हूँ तो उसकी जो प्राइस है वो है 7500। तो दोस्तों, देखा जाए तो अब आपको जहाँ पर रियलमी A1 में आपको जो प्राइस मिलने वाली वो होगी 6000 से लेकर 6500 या फिर 7000 तक इसकी जो प्राइस हो सकती है। अगर मैं दोस्तों जहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताता हूँ, तो रियलमी A1 में आपको जहाँ पर मिल सकती है 1 GB की रैम, साथ में आपको जहाँ पर 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। अगर मैं जहाँ पर दूसरे वाले वेरिएंट की बात करता हूँ, 2 GB रैम और साथ में आपको जहाँ पर 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। तो कैमरे की बात करता हूँ तो दोस्तों, आपको जहाँ पर सिंगल कैमरा मिल सकता है, 13 MP का रियल कैमरा मिल जाएगा और जो आपको फ्रंट कैमरा मिल सकता है वो हो सकता है 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। तो दोस्तों, भैया अगर मैं जहाँ पर प्रोसेसर की बात करता हूँ तो इस फोन में आपको जहाँ पर स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिल सकता है, जहाँ फिर आपको मिल सकता है मीडियाटेक का हीलियो P22 जहाँ पर प्रोसेसर मिल सकता है। दोस्तों, अगर जहाँ पर देखा जाए तो रियलमी C1 में आपको जहाँ पर जो प्रोसेसर दिया गया हुआ है स्नैपड्रैगन 450 जहाँ पर आपको प्रोसेसर दिया जा रहा है, तो अब आपको जहाँ पर इस फोन में स्नैपड्रैगन 430 भी प्रोसेसर मिल सकता है, यानी कि ज़्यादा चांसेस आपको जहाँ पर स्नैपड्रैगन के ही लग रहे हैं। भैया, अगर मैं जहाँ पर कलर की बात करता हूँ तो इस स्मार्टफोन को 2 कलर में लॉन्च किया जा सकता है, एक तो होगा ब्लैक और जो दूसरा कलर होने वाला वो होगा येलो कलर में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सब आपको जहाँ पर शायद स्पेसिफिकेशन मिल सके रियलमी A1 में, जो कि आपको एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन रहने वाला आपके लिए, जो कि जहाँ पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी होने वाला है। तो दोस्तों, ये सब स्पेसिफिकेशन निकली गई। अगर मैं दोस्तों इसकी लॉन्च डेट के बारे में आपको बताता हूँ, ये कब तक लॉन्च हो सकता है, तो दोस्तों जहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो होगा 2019 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको जहां पर रियलमी का नया स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है 6000-6500 की रेंज तक आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो दोस्तों, वजह आज की इस वीडियो में आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।